यदि हम किसी को भी धोखा देते हैं या किसी के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं तो अंत में उसका फल अवश्य मिलता है। और सच्चा मित्र वही है जो आपको हर संभव आपकी मदद करे। सच्चा मित्र वह नहीं होता जो पीठ के पीछे छल कपट करता है। मतलब आप जब उनके पास से हट गए तो वह आपका बुराई करे। तो आज हम लोग देखेंगे दुष्टता का फल कि दुष्टता या क्रूरता करने से उसका फल कैसे होता है या उसका फल अवश्य मिलता है। कंचनपुर के धनी व्यापारी के घर की रसोई घर में कबूतर ने घोंसला बना रखा था। एक दिन लालची कौवा घर के आंगन में आकर बैठा तो उसे रसोई में मछली के पकने की महक आई तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह मछली को खाने की तरकीब सोचने लगे। उनकी नजर कबूतर के घोंसले पर पड़ी। उसके दिमाग में आया कि रसोई में घुसने के लिए कबूतर से दोस्ती करनी आवश्यक है। उसने सोचा कि अगर मैं कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद मेरी बात बन जाएगी। अब कौवा कबूतर पर नजर रखने लगे। जब भी कबूतर दाने के लिए बाहर निकलता तो कौवा भी उनका पीछा करता। एक दिन कबूतर ने जब कौवे को अपने पीछे आते हुए देखा तो बोला, भाई कौवे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? इस पर कौवे ने जवाब दिया, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कौवे की बात सुनकर कबूतर द्विधा में पड़ गया और बोला, हम मित्र कैसे बन सकते हैं? तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कंचनपुर के धनी व्यापारी के घर में उनके घर की रसोई में कबूतर क्या बना रखा था? एक घोंसला बना रखा था। तो घोंसला का अर्थ क्या होता है? पक्षियों का घर। अरे गुड, पक्षियों का घर नहीं
आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। तो क्या बोला कबूतर? बोले कि हम आपको मित्र कैसे बना सकते हैं, हमारा और तुम्हारा भोजन अलग है। तुम कीड़े खाते हो, मैं दाना चुगता हूँ। इस पर कबूतर ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है, मेरे पास घर नहीं है इसलिए अपना अपना भोजन खोजने जाया करेंगे। धीरे धीरे उसकी मित्रता बढ़ने लगी, यहाँ तक कि घर के मालिक ने देखा कि कबूतर और कौवा एक साथ आते जाते हैं। उसने भी यही सोचा कि दोनों में गहरी मित्रता है। एक दिन जब वे भोजन खोजने के लिए जाने लगे तो कौवे ने पेट दर्द का बहाना बनाकर जाने से मना कर दिया। उस दिन कबूतर अकेले ही चला गया। उस दिन कौवे के घर के मालिक कौवे ने घर के मालिक को नौकर से यह करते सुन लिया था कि आज उसके घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मछली बना लेना। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, जितना भी कबूतर दुविधा में पड़ने के बावजूद भी वह पूछता है कि हमारा और तुम्हारा भोजन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कबूतर क्या चुगता है, दाना, और कौवे क्या खाते हैं, कीड़े। तो फिर भी यह चापलूसी दिखाते हुए कौवा क्या कर रहा है, इसमें क्या है, आप अपना दाना खोजने के लिए चले जाइए और दोनों अपना अपना भोजन खोजने हम दोनों अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे। और ऐसे करके करके धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। और मालिक ने देखा कि कबूतर और कौवे में क्या हो गई है, गहरी मित्रता या दोस्ती हो गई है। मित्रता का अर्थ क्या होता है, दोस्ती। तो वहाँ फिर क्या हुआ, उस दिन कौवे बहाना बनाकर अपने दाने खोजने के लिए, अपने भोजन खोजने के लिए नहीं गए और वह घर में ही रह जाता है। उस दिन मालिक के मुँह से जो बोले कि आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, उनकी बातों को कौवे सुन लिया और उस दिन का भोजन क्या बनना था, तो उस दिन मछली बनना तय था। तो कौवा इस बात का इंतजार कर रहा था कि नौकर जैसे ही रसोई से बाहर जाएगा वह थाली पर झपटा मारेगा। नौकर के बाहर आते ही कौवा थाली पर झपटा और मछली उठाकर आराम से खाने लगा। मगर जल्दी ही नौकर वापस आ गया और उसने कौवे को मछली खाते हुए देखा तो आग बबूला हो गया। तो यहाँ आग बबूला का अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा जाना, अत्यधिक गुस्सा जाना। आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा या अत्यधिक गुस्सा आना। तो यहाँ क्या हुआ कि जब कौवे देखे तो क्या हुआ, वह जब मछली वहाँ रखा हुआ था रसोई घर में, तो वह क्या करता है, उस थाली पर मछली को झपट जाता है और झपटा मारकर मछली को लेकर वह आराम से खाता है। उसी वक्त कौन वापस आता है, नौकर। वेरी गुड। तो वह कौवे को देखकर क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उसको गुस्सा लग जाता है। उसने कौवे को पकड़ कर मार डाला। शाम को जब कबूतर वापस आया तो कौवे की हालत देखकर उसको पूरी बात समझ आ गई। देखिए यहाँ क्या होता है, जब किसी को गुस्सा आती है तो गुस्सा किसी को पहुँचाता नहीं है। यह देखकर नौकर क्या किया, कौवे को पकड़
देखते हुए उसकी पूरी बात या सब कुछ उसको समझ में आती है और वह कह रहा है कि कवे मेरे साथ क्यों दोस्ती करना चाह रहे थे। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट प्राणी को उसकी दुष्टता का फल अवश्य मिलता है। क्यों? जैसे हमने देखा, क्योंकि कवि ने दुष्टता के कारण, अपने दुष्ट व्यवहार के कारण दोस्ती तो बना ली, लेकिन वह क्या किया, एक दुष्ट प्राणी या मछली को खाने के लिए दोस्ती बनाया था और उसका फल क्या मिला, न पर उसको अंत में मार दिया। तो बच्चों, हम कभी भी किसी को भी धोखा ना दे और किसी के साथ भी दुष्टता का व्यवहार नहीं करें। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग फिर